अगर आप चाहते हैं कि स्टार मेकर पे आपको किसी सॉन्ग का कॉपीराइट ना आए तो उसके लिए एक छोटा सा काम भी आप कर सकते हैं जो कि बेहद अहम है। हालांकि काम बहुत सारे कर सकते हैं लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक ही टिप बताने वाला हूं, और वो क्या है कि स्टार मेकर पर कई बार ऐसा होता है आप गाना तो गा चुके होते हैं और उस समय आपको कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आता है, लेकिन वो कवर आपका जब कुछ समय के बाद, चाहे वो एक दिन हो जाए, एक घंटा हो जाए, एक महीना हो जाए, आपको कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, यहाँ तक कि कई बार साथ के साथ भी आ जाता है। तो उसके लिए आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, अपने स्टार मेकर में जाइए। स्टार मेकर में जाने के बाद आपको सिर्फ नॉर्मल सा काम जो करना है, बिल्कुल नॉर्मल, बेहद आसानी से, हालांकि आपको कभी उस पर कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा क्योंकि ये एक पेड सॉन्ग होता है और इस वजह से आपको कॉपीराइट क्लेम नहीं आ सकता। और वो क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ सॉन्ग के ऑप्शन में जाना है, बीच का, बिल्कुल दोनों सिरों के बीच में जो बीच का ऑप्शन होता है उसे आप खोलेंगे और आप जाएंगे ऑफिशियल में। ऑफिशियल में आपको सारे सॉन्ग्स वही मिलेंगे जिनके स्टार मेकर का खुद का अपना ऑफिशियल मार्का होगा। आप उस सॉन्ग में से किसी को भी ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा आपके सामने हॉट सॉन्ग भी होंगे, ओरिजिनल सॉन्ग भी होंगे जिसके ऊपर भी स्टार मेकर का खुद का मार्का है, वो सारे पेड सॉन्ग है, उन सब सॉन्ग्स को पेड कर दिया गया है, इसलिए इन सॉन्ग्स का किसी भी तरह का कॉपीराइट क्लेम नहीं आ सकता। जिन पे मार्क नहीं होता उन सॉन्ग्स पे आ भी जाता है और नहीं भी आ जाता है, ज़्यादातर न्यू सॉन्ग्स पे आता है क्योंकि वो आपके और मेरे जैसे लोगों ने भी उसे उठा के अपलोड कर दिया होता है और वो खुलने के चांस नहीं होते हैं। इसलिए अगर आपको सिर्फ कॉपीराइट क्लेम से बचना है तो पहला टिप कि आपको ऑफिशियल सॉन्ग या ओरिजिनल सॉन्ग चूज करने चाहिए। उसके अलावा भी कौन से